नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आस्था का महापर्व छठ। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर छठ पूजा इतने सदियों से हमारे बीच में क्यों मनाया जा रहा है, आखिर इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो के माध्यम से इस महापर्व का पूरा इतिहास। यूं तो पर्व और त्योहारों का सिलसिला भारत में पूरे साल भर चलता है, जिसकी एक लंबी सूची है। इन्हीं पर्वों में एक खास पर्व है छठ महापर्व। आज मैं आपको बताऊंगा छठ महापर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य उपासना के मौके पर छठी मैया के जयकारे लगाकर उनकी पूजा की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श और जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ महापर्व तक चलता है। भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्वों में से छठ महापर्व अहम पर्व है। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित व प्रसिद्ध हो गया है। नहाय खाय से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाला इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियवंद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियवंद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को याहूति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियवंद ने पुत्र की इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं यह पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हुई थी और तभी से यह छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुदगल ऋषि को आमंत्रित किया। मुदगल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने मुदगल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। नहाए खाए, पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठवर्ती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। खरना और लोहंडा, दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संध्या अर्घ, तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरह से सैकड़ों साल पहले यह पर्व मनाया जाता था, वही तरीका आज भी है। इस पर्व के लिए जो प्रसाद होता है वह घर में तैयार किया जाता है।
ठेकुआ और कसार के अलावा और भी जो पकवान बनाए जाते हैं वे खुद व्रत करने वाले या उनके परिजन पूरी सफाई का ख्याल रखते हुए घरों में ही तैयार करते हैं। ठेकुआ गुड़ और आटे से तैयार होता है, वही कसार चावल के आटे से और गुड़ से तैयार होता है। इसके अलावा इस पूजा में फलों और सब्जियों का खास महत्व है। छठ के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो बांस के बने होते हैं या किसी मिट्टी के। ये तमाम चीजें इको फ्रेंडली हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और वर्ती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठवर्ती एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं। कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य उपासना के मौके पर छठी मैया के जयकारे लगाकर उनकी पूजा की जाती है? वेदों के मुताबिक छठी मैया को उषा देवी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया के बारे में कहा जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। उनकी पूजा करने से और उनके गीत गाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी। पूजा का इतिहास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक करें, शेयर करें।